चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीमी ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, नीमी का जो पेपर होता है, नीमी कैसा क्वेश्चन बनाता है, अगर आप दोस्तों CITS या ITI कोर्स कर रहे हैं, आप किसी भी ट्रेड से हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो है कि दोस्तों मेन CITS के लिए है, जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, इस वीडियो को देखें कि नीमी पे कैसे जो है कि ऑनलाइन टेस्ट देना है। ये दोस्तों टेस्ट सीरीज जो है कि नीमी का स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप कोर्स वाइज आप जिस ट्रेड के हैं उस ट्रेड का आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। इसमें दोस्तों चार सेमेस्टर होंगे, चारों सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या एनुअली एग्ज़ाम देख करके अपनों को चेक कर सकते हैं कि आपका कितना जो है कि आंसर यहाँ पे सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है नीमी पोर्टल पे और जो तो कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपना जो है कि गूगल क्रोम खोल लेंगे। यहाँ पे गूगल क्रोम खोलने के बाद दोस्तों अपना जो है कि सर्च बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे नीमी ऑनलाइन टेस्टिंग। उसके बाद दोस्तों सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पे जो है कि सबसे ये जो कि फर्स्ट वाली जो हमारी वेबसाइट आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीमी टेस्टिंग डॉट इन मॉड्यूल, इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे। जो लोग इस तरह नहीं खोल पाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसे जा करके आप खोल सकते हैं। चलिए इसको क्लिक करके खोलते हैं। खोलने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ फेस आएगा। यहाँ पे जो कि अपना को क्या करना है कि डेस्कटॉप मोड में कर देना है। चलिए डेस्कटॉप मोड में कर दिए दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको स्टेप समझ में आएगा, नहीं तो अगर छोड़कर जाएंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा और जो है कि आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लॉगिन अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट देख सकते हैं, CITS या CTS का जो है आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कितने ट्रेड हैं इसमें। तो जितने सारे आपके CITS और CTS के अंदर अगर ट्रेड आते हैं, सारे ट्रेड का इसमें जो है कि आपको टेस्ट मिल जाएगा। नीचे देख सकते हैं वेल्डर, टर्नर, ड्राफ्टमैन, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, यानी सारे मॉड्यूल का आप यहाँ दे सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं फीटर का है, फीटर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, यानी सारे ट्रेड का यहाँ पे जो है कि कोर्स अवेलेबल है। आप इसको आसानी से टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो इधर कोने में दोस्तों यहाँ पे लॉगिन जो दिख रहा है, इस लॉगिन पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका तो पहले अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अकाउंट एक क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कि क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे यूज़र नेम आपको सेलेक्ट करना होगा, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद आपका सरनेम, सिटी और कंट्री डाल देना। तो चलिए सारी चीज़ें हम जल्दी से भर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो कि आपको यूज़र नेम में आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी। तो यूज़र नेम जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डाला है यहाँ पे यूज़र नेम, तो सभी लोअर केस में होने चाहिए। जैसे मेरा नाम नरेंद्र है, तो मैं स्मॉल लेटर में ही डालूंगा, यहाँ पे अपर केस यूज़ नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड हो जाएगा, आप कैसा भी पासवर्ड चुन सकते हैं। पासवर्ड जो कि दोस्तों यहाँ पे कंबाइंड होना चाहिए, आपका कैरेक्टर होना चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए मेरे को पासवर्ड डालना है, तो मैं इस तरह का पासवर्ड डाल सकता हूँ। जैसे आपको पासवर्ड डालना हो, पासवर्ड वाले पर क्लिक करिए। सबसे पहले कैपिटल लेटर ले लीजिए, मेरा नाम नरेंद्र, तो मैं कैपिटल ARENDRA@123456 डाल देता हूँ। इस तरह का आप भी डाल सकते हैं, लोअर केस और अपर केस। और चलिए उसके पहले ईमेल में फिर से दोस्तों आपको ईमेल अगेन डालना होगा, तो वही ईमेल यहाँ पे डाल लेते हैं। ईमेल पुनः डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना होगा, तो चलिए फर्स्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका सरनेम होगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चुन सकते हैं, और उसके बाद कंट्री, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा क्रिएट माई अकाउंट। तो चलिए क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा, तो इसमें आप सेव कर सकते हैं या नेवर भी कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस तरह का आपका एक मैसेज होगा कि आपके ईमेल आईडी पर एक जो है कि रजिस्ट्रेशन
के लिए वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल गया है, उस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसा ईमेल आया हुआ है। तो सिंपली दोस्तों अपना जो है कि ईमेल लॉगिन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना ईमेल लॉगिन कर लिया। तो ईमेल लॉगिन करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे एक एडमिन यूज़र बीआई नीमी ऑनलाइन कोर्सेज का यहाँ पे आपको आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ लिंक मिलेगा, ए न्यू अकाउंट हैज बीन रिक्वेस्ट नीमी ऑनलाइन कोर्स, कन्फर्म योर न्यू अकाउंट प्लीज टू वेबसाइट एड्रेस। तो चलिए इस पर वेबसाइट पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर आप वेरीफाई करने के लिए क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों सारा प्रोसेस देखिएगा, नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा। उसके पहले दोस्तों फिर यहाँ पे यू रजिस्टर हैज़ बीन कन्फर्म, तो यहाँ पे आपका एक मैसेज शो हो जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो गया। उसके पहले दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए कंटिन्यू कर देते हैं। ईमेल वेरीफाई करने के बाद जब दोस्तों आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए तो इस तरह कोने में आप आइए, क्योंकि ये ईमेल में हम गूगल में इसको जो है कि लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आइए और आने के बाद यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों फिर से जो है कि गूगल क्रोम में आएंगे और ये वाली जो वेबसाइट है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद लॉगिन पे इधर क्लिक करेंगे। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आप अपना यूज़र नेम बनाया है, जो मैंने क्रिएट करना बताया था, उसके बाद पासवर्ड, और उसके बाद डाल करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए जल्दी से डाल करके क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने अपना ईमेल आईडी से जो है कि हमने अपना यूज़र नेम बनाया था, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें जो आपका यूज़र नेम है वो डालें, ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डालना है, अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड यहाँ पे जो आपने बनाया है वो डालना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए क्लिक करते हैं। सिंपल लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में आना है। चलिए दिखाते हैं, इधर राइट साइड में आपको कोर्स है, कोर्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो कोर्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर नीचे आएंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट इधर आएगा, मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। मॉक टेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे अभी CTS में हम लोग क्लिक करेंगे, तो CTS पे क्लिक करते हैं। CITS का एप्लीकेशन बैंक खुल नहीं रहा, वो जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि फीटर पे क्लिक करेंगे, अगर आप फीटर ट्रेड से हैं फीटर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किस सेमेस्टर का आप जो है कि आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो उस पर आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए मैं जो है कि एनुअली पैटर्न का देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो कि एनुअली पैटर्न है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ पूछा जाएगा, नो इनरोलमेंट की रिक्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनरोलमेंट करना होगा, तो ये इनरोलमेंट मी पे क्लिक करना होगा, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इनरोलमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम लिमिट 2 आवर्स है, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। आपके यहाँ पे सबसे पहले एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए आपको कंटिन्यू द लास्ट अटैम्प्ट आपको क्लिक करना होगा, या आपका अटैम्प्ट मैं इसको दे दिया था, इसलिए जो है कि यहाँ पे मेरा उतने समय से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन बल्ब कैसे नियंत्रित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हाउ हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन फोर्स इज कंट्रोल्ड। आपका जो ऑप्शन सही लगे, विद्युत द्वारा, गियर द्वारा, तरल पदार्थों द्वारा, हवा द्वारा। तो ये जो आपको समझ में आए, मान लीजिए हाइड्रोलिक्स जो है सिस्टम जो है फ्लूड से चलता है, तो इस तरह का आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। तो चलिए इस तरह का जो है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लास्ट में पेज को सबमिट कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद अपना रिस्पांस चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दे दोस्तों में, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।